Hello everybody, today we will do tense, okay? Today we will do past indefinite tense, okay? In previous video, we had done present indefinite and today we will do past indefinite, okay? If we will talk about past indefinite, it may be of two types, okay? देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस जो है वो दो तरह के होते हैं. एक तो आ जाएगा हमारा जिनके लास्ट में आ ए ई की साउंड होती है, ठीक है, जैसे गया, खाए, सोए, है ना, खाई. तो ये क्या होगी हमारे एक तरह के. और दूसरे तरह के कौन से होते हैं, जैसे ता था, ती थी, ते थे. फॉर एग्जाम्पल जाता था, खाते थे, सोते थे, जागते थे, खेलते थे, है ना. तो इस तरह के दो टाइप के आएंगे हमारे. इन दोनों के रूल्स भी डिफरेंट हैं. पहले हम फर्स्ट टाइप के जो हैं उनको उनको करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके. तो जो फर्स्ट टाइप के हैं जिसके लास्ट में आ ए ई आता है, ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की और या फिर डिड फर्स्ट फॉर्म करेंगे. देखो हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे करेंगे, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, ठीक है. ये वाली चीज हम कहाँ पे यूज करेंगे, एक तो अगर हमारा नेगेटिव है और अगर इंटरोगेटिव, ओके. सिंपल के लिए अगर हमारा अफर्मेटिव है, सिंपल है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अफर्मेटिव के लिए हम यूज करेंगे ओनली सेकंड फॉर्म, ओके. अब हम वन बाय वन इन एग्जांपल्स को देखेंगे. चलिए पढ़ लेते हैं. सबसे पहले मैं बाजार गया, आ की साउंड आ रही है. उसने काम पूरा नहीं किया, आ की साउंड. क्या उसने शेर देखा, आ की साउंड, ओके. क्या हमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, क्या उसने गाना गाया. उसने पतंग कब उड़ाई, ठीक है, लास्ट में आ ई या ए की साउंड आ रही है. वह कल कहाँ गया, तो इसको हम गए लिख लेते हैं, ना. वह कल कहाँ गई, इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है. अब आप देख सकते हो आ ई और ए की साउंड आ रही है, ओके. अब हम वन बाय वन इसको हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ओके. मैं बाजार गया, तो मैं के लिए यूज करेंगे हम आए, ओके. गया, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगी. जाने को हम बोलते हैं गो, तो सेकंड फॉर्म आएगी वेंट. आई वेंट कहाँ गया, आई वेंट टू मार्केट, ओके. नेक्स्ट देखिए, उसने काम पूरा नहीं किया. अब ये नेगेटिव है, ना वाला है, तो इसमें हम डिड के साथ नॉट लगाएंगे. उसने काम पूरा नहीं किया, ही डिड नॉट. पूरा मींस कंप्लीट, complete his work, okay. He did not complete his work. क्या उसने शेर देखा, अब ये हमारा किसमें है, interrogative form में है. क्या उसने शेर देखा, interrogative में हम क्या लगाते हैं, helping verb आगे, okay. Did he, अब देखिए हमने verb जो लगानी है यहाँ पे first लगानी है did के साथ. Did he see the line, did he see the line. क्या हमने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, है ना, ये भी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में है. क्या, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, did we, आज्ञा का पालन, obey, did we obey our पेरेंट्स. क्या हमने, तो डिड वी ओबे आवर पेरेंट्स. क्या उसने गाना गाया, क्या उसने गाना गाया, डिड. अब यहाँ पे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है ना. डिड ही और शी सिंग द सॉन्ग, ठीक है. तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे इंटरोगेटिव है उसमें हमने डिड पहले लगाना है, ठीक है. नेगेटिव में हमने नॉट लगाना है,
अगला करेंगे हम, उसने पतंग कब उड़ाई, तो यहाँ पे यूज हो रहा है कब, कब के लिए हम यूज करेंगे व्हेन, ओके, व्हेन डिड उसने ही, व्हेन डिड ही फ्लाई द काइट। आप देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है, अगर सिंपल होता तो फ्लू वाला था, ठीक है, उसने पतंग उड़ाई तो ही फ्लू द काइट, उसने कब उड़ाई तो व्हेन डिड ही फ्लाई द काइट। नेक्स्ट देखिए, वह कल कहाँ गए, तो ज्यादा लोग हैं, ठीक है, वह कल कहाँ, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर, वेयर डिड दे गो। अब कल, कल कौन सा है, पास्ट वाला, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यस्टरडे, ओके, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। ये तो हो गए हमारे एक टाइप के, अब दूसरे टाइप के लिए हम करेंगे, देखो दूसरे में क्या आएगा, ता था ती थी ते थे, ऐसी एक्टिविटीज जो हम पहले तो करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बाजार जाता था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं उस ऑफिस में काम करता था, मैं खिलौनों से खेलता था बचपन में, है ना, तो ऐसी एक्टिविटीज जो हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब नहीं करते हैं, ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यूज्ड टू, ओके, वी विल यूज यूज्ड टू, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो अब हमने यहाँ पे यूज्ड लिखा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम डिड के साथ यूज लिखेंगे, ओके, यूज, यूज क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड लगाया है, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम यूज लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और साथ में अगली वाली जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ओके। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं सैर करने जाता था, ओके, आई यूज टू जाता था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गो, आई यूज टू गो फॉर वॉक, आई यूज टू गो फॉर वॉक, वह खिलौनों से नहीं खेलता था, ओके, ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद टॉयज, ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने डिड लगाया है, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ओके, मिस्टेक नहीं करनी है, कई बच्चे डिड के साथ यूज्ड लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हम अपना पार्ट याद करते थे, पास्ट की बात हो रही है, ओके, तो यहाँ क्या लगाएंगे, डिड, हम, डिड वी, याद करना, डिड वी यूज टू लर्न आवर लेसन, डिड वी यूज टू लर्न आवर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम सिनेमा देखते थे, इट मीन्स ये एक्टिविटी पहले की है, पास्ट की, ओके, हम सिनेमा देखते थे, वी यूज टू वॉच सिनेमा, ओके, वी यूज टू वॉच सिनेमा। नेक्स्ट, वह खाना कब खाता था, यहाँ पे वर्ड यूज हो गया कब, तो कब के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन, व्हेन डिड ही यूज टू ईट द फूड, ओके। देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ भी फर्स्ट, ठीक है, पहली अगर हमारी सेकंड फॉर्म आ गई है तो बाद वाली जो लगेगी वो फर्स्ट ही लगेगी, ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। हम प्रार्थना कहाँ करते थे, कहाँ, कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर, ओके, वेयर डिड वी यूज टू प्रे, ठीक है, अब ये प्रे कौन सा होगा, प्रेयर वाला, वेयर डिड वी यूज टू प्रे, हम प्रार्थना कहाँ करते थे। लास्ट एग्जांपल देखेंगे, वह गाना क्यों गाता, सॉरी, वह गाना क्यों गाती थी, ओके, क्यों, क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाई, ओके, व्हाई
did she used to sing? Why did she used to sing? अब आपने ध्यान से इनमें डिफरेंस जो है देख लेना है, ओके? के जो हमारा एक तरह के है जिनके लास्ट में आ ए ई, जब आप सेंटेंस बोलते हैं ना उसे हमने आइडेंटिफाई कर लेना, मैं गया खाना खाया, ठीक है, वो मैं उससे मिला, हम उनसे मिले, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टाइप वाले। इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। जब हम ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, जैसे खेलते थे, जब मैं बचपन में खिलौनों से खेलता था, मैं उस वाले स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, वो सैर के लिए जाते थे, वो गाना गाती थी, हो सकता अब वो एक्टिविटी ना होती हो। देखो इनडेफिनेट का क्या मतलब है, ऐसी एक्टिविटी जो कभी होती है जो कभी नहीं होती है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो कभी होती भी थी और कभी नहीं भी होती थी, ठीक है। जैसे हम सैर करने जाते थे तो कभी हम जाते होंगे, कहीं नहीं जाते होंगे, है ना। तो ये ऐसे वाले सेंटेंसेस, ऐसी वाली एक्टिविटीज जो पास्ट में होती थी, ओके, उनके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू और साथ में फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए, इंटरोगेटिव आ जाए, उसके साथ हम डिड और साथ में यूज और साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यूज टू, यूज के साथ टू यूज करना, ओके, और साथ में फर्स्ट फॉर्म। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेंस पास्ट इंडेफिनेट, ओके। Take care. We will meet in our next video. Till then, bye bye and take care.